उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजे ऐसे रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के प्रचंड प्रभाव को एक बार फिर से साबित कर दिखाया है। इन नतीजों ने ये भी साफ कर दिया है कि हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर कोई राजनीतिक बाहुबली है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। नतीजों से पहले बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि सपा कम से कम विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि सपा अपनी शान विधान परिषद चुनाव में बचाए रख पाएगी और बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि विधान परिषद चुनाव के परिणाम विधानसभा परिणाम जैसे नहीं होंगे। लेकिन सारे कयासों, सारी संभावनाओं और तमाम चर्चाओं पर पानी फिर गया जब उत्तर प्रदेश की 36 सीटों के परिणाम सामने आए। ये वो 36 सीटें थी जिस पर बीजेपी के साथ साथ सपा की भी सियासी साख दांव पर लगी हुई थी। इन 36 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध कब्जा जमा चुकी थी। बाकी बची 27 सीटों में से 24 सीटों पर भी जीत बीजेपी को ही मिली, जबकि बाकी की 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार ले गए। इस चुनाव में सपा की झोली में एक भी सीट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में सपा को क्लीन बोल्ड हो जाने की ये चुनावी घटना दर्ज हो चुकी है। लेकिन यहाँ के सियासी मैदान में यही एक घटना नहीं है जिसने चौंकाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने 40 साल पुराना एक अनूठा रिकॉर्ड भी दोहरा दिया है। विधान परिषद के नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी के नाम एक शानदार रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। यहाँ ऐसा 40 साल बाद हुआ है जब किसी दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ साथ विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। ये कारनामा इससे पहले साल 1982 में कांग्रेस ने कर दिखाया था। 36 में से 33 सीटें अपने नाम करने वाली बीजेपी अब विधान परिषद में भी मजबूत स्थिति में आ चुकी है। अब तक विधान परिषद में बीजेपी के 100 में से 35 ही सदस्य थे, जबकि 33 और विजय रहे सदस्यों के साथ सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 68 हो गई है। यह आंकड़ा 51 के बहुमत वाले आंकड़े से कहीं ज्यादा है। इन चुनावी नतीजों में उन 3 सीटों का जिक्र करना भी बनता है जिस पर बीजेपी को हार का मुंह किसी और से नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से देखना पड़ा। वो 3 सीटें हैं वाराणसी, प्रतापगढ़ और आजमगढ़। इन तीनों ही सीटों पर एक संयोग ये रहा है कि जीतने वाले तीनों निर्दलीय उम्मीदवार ठाकुर समाज से ताल्लुक रखते हैं। इनमें वाराणसी एमएलसी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई है जो माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी है। प्रतापगढ़ एमएलसी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह जीते हैं जो खुद भी बाहुबली नेता हैं और राजा भैया के करीबी माने जाते हैं। वहीं आजमगढ़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विक्रांत सिंह जीते हैं जो बीजेपी के ही पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह के पुत्र हैं। यशवंत सिंह को पिछले दिनों बीजेपी ने पार्टी से 6 साल के लिए अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था। समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में जो कसर रह गई थी उसे विधान परिषद के चुनाव में जरूर निकालना चाहेगी। इसे लेकर सूत्रों से लगातार ये जानकारी भी मिलती रही कि ग्राउंड लेवल पर सपा खूब पसीना बहा रही है, लेकिन जब विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आए तो उसे देखकर सपा जरूर सन्न रह गई होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा सन्न वो राजनीतिक पंडित हुए जिनका आकलन सपा के मजबूती से उभरने की ओर इशारा कर रहा था। हालांकि इन नतीजों के बाद अब चर्चा बीजेपी के धुरंधर रणनीतिकारों की भी जरूर हो रही है, जिनकी तैयारियां पार्टी के हक में जबरदस्त लहर पैदा करने में एक बार फिर से कामयाब हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।